आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती क्या है और ये क्यों करवानी है। देखिए, जब आपका कोई यूट्यूब चैनल है वो अगर मोनिटाइज हो जाता है, उस पे एड्स आने चालू हो जाते हैं, तो यूट्यूब आपको बोलता है कि आप अपनी पहचान हमें बताइए, यानी कि अपना कोई ना कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दीजिए जिससे हम पता कर सके कि आप सही व्यक्ति हो। साथ ही अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे अगर एड्स वगैरह आने लगते हैं, कुछ दिन एड चल जाती है, तो उसके बाद ऐसा आपको एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है योर पेमेंट आर करेंटली होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड, रिलीज पेमेंट। या आपकी कोई एप्लीकेशन है तो उसमें अगर एड्स चलनी चालू हो जाती है, कुछ दिन हो जाता है, तो उसके बाद जो है कि आपको ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं। आपको कुछ इस तरह के मेल्स भी रिसीव हो सकते हैं आपके जीमेल आईडी पे, जिसमें ये लिखा भी होगा आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई करानी है। अगर आपको कोई मेल प्राप्त हुआ है तो उसी मेल के अंदर आपको वेरीफाई नाउ का एक ऑप्शन होगा, उस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है एडसेंस के इस वाले पेज पे आ सकते हैं, या आप अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लीजिए। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, अगर आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो एडसेंस से आप आगे की कमाई नहीं कर सकते। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना जरूरी होता है। पहले आधार कार्ड आप दे सकते थे, लेकिन अब आप आधार कार्ड नहीं दे सकते। आधार कार्ड के अलावा भी बहुत सारे हमारे आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, वोटर आईडी कार्ड होते हैं, तो उसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आप सीख लीजिए कि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ऐसा नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, अगर नहीं आपको दिखता है तो आप यहाँ नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी वो चीजें दिखाई दे दे। यहाँ पे आपको एक्शन पे क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे एक्शन इसके सामने लिखा गया है, एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एडसेंस के एक दूसरे पेज पे ले जाएगा। ये पेज आपका पेमेंट पेज है, यहाँ पे आपको वेरीफाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको टैप करना है। टैप करते ही आपके सामने देखिए ये सारी चीज़ें खुल के आई है, जिसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि वो या तो इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अपलोड पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें काफ़ी हद तक गलती करते हैं लोग कि यहाँ जो आपका पैन कार्ड पे, वोटर आईडी कार्ड पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे जो पता है, वही पता सेम यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ का पता कुछ और होगा और डॉक्यूमेंट्स से अगर मैच करा जाएगा और आपका पता सही नहीं पाया गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल कर दी जाएगी और आपको फिर बाद में कहा जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए, या आपका एडसेंस अकाउंट इनएक्टिव भी हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जो पता आपने अपने इस आईडी में कहीं पे दिया हुआ है, जो आईडी अपलोड कर रहे हैं, वही पता यहाँ पे आप एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके पहले आप अपने पता को एडिट कर लीजिए। जैसे ही मैंने एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे सामने पूरा पता खुल के आ गया जिसे मैं आसानी से एडिट कर सकता हूँ। इन सभी चीज़ों में करेक्शन कर लेने के बाद आपको जो है कि यहाँ अपलोड का एक ऑप्शन दिखेगा। देखिए गौर से, आपको अपलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे मैं जूम भी कर देता हूँ। यहाँ देखिए, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो मेरे केस में पैन कार्ड है हमारा, तो हम पैन कार्ड अपलोड करने जा रहे हैं। आपको कुछ इस तरह से पैन कार्ड का फोटो खींच लेना है, साफ साफ खींचेगा, एकदम क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका नाम है, सेम नाम जो है यह आपके इस एड्रेस में भी होना चाहिए, जैसा कि जो नाम मेरा पैन कार्ड पे है, तो मैं यहाँ पे वो सेम नाम यहाँ पे दे दिया हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें देख लेने के बाद हम यहाँ अपलोड वाला एक सेक्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा कि आप कहाँ से करना चाहते हैं, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और फाइल्स। तो हम यहाँ फाइल्स को चूज करते हैं और यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो कहाँ पे है। तो हमें हमारा पैन कार्ड यहाँ पे दिख गया है, हम इस पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे ये अपलोडिंग चालू हो गई है। आप देख पाएंगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे पूरी तरह से अपलोड हो गया है। अब हमें सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका कैमरा से खींचा हुआ पैन कार्ड होगा और वो ज़्यादा MB का होगा, ज़्यादा हैवी फाइल होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि अपलोड होने में वक्त लगा दे, अपलोड ही ना हो, तो आप उसकी साइज़ को कंप्रेस कर लीजिएगा या पिक्सआर्ट या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में डाल के और फिर उसको सेव कर दीजिएगा। तो इससे आपका जो उसका जो साइज़ है MB है वो KB में बदल जाएगा। उसके बाद आसानी से जो है कि आप इसे सबमिट कर सकते हैं। चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है कि ये फिर से लोडिंग लेगा और आपको देखिए ये बोलेगा कि द प्रोसेस में टेक अ फ्यू डेज, यानी कि ये जो है कि आपका जो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम है वो आपने अपनी तरफ से कर दिया है। अब आपको बस वेट करना है, आपको एक ईमेल दिया जाएगा। अगर आपने सही तरह से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, सब चीज़ अच्छा होगा, नाम वगैरह कोई भी मिसमैच नहीं होगा, तो वो आसानी से आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन ऊपर में आ रहा है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ये भी बोला जाएगा कि देखिए अगर आपने बार बार गलत प्रयास किए तो आपको कुछ लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही दिए जाएंगे। अगर उस अटेम्प्ट के बाद आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आपका एडसेंस अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जा सकता है। इसलिए
आप पहली बार ही जब इसे अपलोड करें तो सारा चीज जांच पर रखकर और सभी सावधानियां बरतते ही इसे अपलोड करें। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा, लेकिन कुछ लिमिट नंबर ही आपको मिलेंगे, कुछ लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही आपको मिलेंगे। गॉट इट पे चलिए हम क्लिक कर देते हैं और ये देखिए मैं गॉट इट पे क्लिक किया हूं, ये मेरा एडसेंस है। योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज प्रोग्रेस, प्लीज अलाउ अ फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि ये आपसे कुछ टाइम मांग रहा है और बस आपको अब वेट करना है। जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाएगी तो आपको एक जीमेल पे मेल आएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई कर दी गई है। होप यू गाइस कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके, जो लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो वो आसानी से इस वीडियो को देख के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सके। थैंक यू सो मच अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हम पे बनाए रखने के लिए। मिलते हैं एक और कमाल के नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।